जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं घर में सब, ज़रूर बताइएगा। जब जीवन के अंदर बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं, तब हम उसके समाधान ढूंढने निकल पड़ते हैं। जो जैसा बता देता है, जो जैसा ज्ञान दे देता है, हम वैसे कार्य कर लेते हैं। प्रकृति का भी हमको आशीर्वाद मिल जाता है और बहुत सारे त्यौहार हमारे लिए ऐसे हो जाते हैं जब हमारे उपाय करना सरल हो जाता है। पूर्ण निष्ठा, पूर्ण भाव के साथ अगर हम ये चीज़ें करते हैं तो ईश्वर हमें उसका फल ज़रूर देते हैं। गुप्त नवरात्रि भी आपके लिए वही आशीर्वाद है, जिसके अंदर करा हुआ कृत आपके जीवन में आशीर्वाद बनकर आता ज़रूर है। तो चलिए, आज मैं नवरात्रि खत्म होने से पहले आपको करने वाला एक छोटा सा उपाय बता देती हूँ। ये कार्य आपको सप्तमी वाले दिन करना है और इस कार्य को करते वक्त आपको अपने शरीर, अपने मन और अपनी आत्मा को पूर्ण तरीके से शुद्ध रखना है। ना बुरे विचार लाएंगे, ना मन में कोई डर लाएंगे, ना किसी तरह की नेगेटिविटी को आप अपने इर्द गिर्द लाएंगे और आप अच्छे से स्नान कर ये कार्य कर लेंगे। करना क्या है ये आपको बताती हूँ, लेकिन इससे पहले ये तो बता दूँ कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। लेकिन उससे पहले चूँकि आपकी सारथी हूँ, इसीलिए आपको जीवन का सार देने चली आती हूँ। बात हो रही है जब गुप्त नवरात्रि की, तो माता रानी को हम नाना प्रकार की चीज़ें भेंट स्वरूप चढ़ाते हैं। मंदिर में जाते हैं, घी का दीपक जलाते हैं, माँ को चुंदरी चढ़ाते हैं, माँ को हलवे का भोग लगाते हैं, माँ को खीर अत्यंत प्रिय है, माँ को खीर खिलाते हैं। मखाने भी माँ को बहुत प्रिय है, इसलिए मखाने की माला भी माँ को ज़रूर चढ़ा कर आते हैं। लेकिन आज का उपाय थोड़ा अलग और थोड़ा विशेष है। गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्या की पूजा की जाती है और उनके ही मंत्रों को सिद्ध किया जाता है। तो आज सप्तमी वाले दिन आप केले का एक पत्ता ले लेंगे। केले का एक पत्ता लेकर इसे आप गंगा जल से शुद्ध कर लेंगे। इसके ऊपर आप हल्दी और केसर मिश्रित एक तिलक बनाएंगे, जिससे आप लिख देंगे श्रीम। और इसके बाद आप इस केले के पत्ते को एक दिन के लिए यानी कि 24 घंटे के लिए आप अपने मंदिर में रख कर छोड़ देंगे। अगले दिन अष्टमी वाले दिन आप इस केले के पत्ते के ऊपर रोली से लिख देंगे ओम श्रीम। और उसके बाद आप इसके ऊपर चावल चढ़ाएंगे, आप इसके ऊपर थोड़ा सा कपूर रख देंगे और उसके बाद इसे लाल कपड़े में बांध कर आप फोल्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि केले का पत्ता थोड़ा बड़ा होता है। आप इसे फोल्ड कर देना और लाल कपड़े में बांध कर आप इसे अपनी तिजोरी में स्थापित कर देना। अपनी तिजोरी को अच्छे से साफ़ कर लेना और उसी तिजोरी के ऊपर हल्दी और केसर युक्त जो आपने तिलक बनाया था उसी से लिख देना श्रीम। छोटा सा उपाय है लेकिन जीवन के अंदर चमत्कार करता है। महालक्ष्मी केवल धन देने का काम नहीं करती, महालक्ष्मी आपके जीवन में यश मान कीर्ति देने का काम भी करती हैं। आपको दुनिया से एप्रिसिएशन भी दिलाती है, आपको सबसे प्रेम भी दिलवाती हैं, आपको लोगों की नज़रों में महान बनाती हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा जिस पर हो जाए वो नारायण की कृपा पा लेता है, और नारायण और महालक्ष्मी की कृपा जिस पर हो जाए वो तो बस क्या ही बोलूँ, क्या से क्या हो जाता है। तो चलें आज के लिए बस इतना ही, फिर आते हैं कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊंगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में PhD माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं लव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने
ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।